यार इतना अच्छा कंटेस्टेंट चला गया, बट वॉट एवर, मतलब जो है अच्छा है, वरना टारगेट कर देते तो उससे तो अच्छा ही है. आप काफी, यू वन हार्ट्स व्हेन यू लेफ्ट, सो ऑल थैंक यू जी, द थैंक यू, मैं ये कर पाया, बहुत बहुत बेस्ट. धन्यवाद। सही है. ओके शुभम. नीरज भैया, राम राम. राम राम भाई. भाई बहुत अच्छा लगा आपको देख के बिग बॉस में. थैंक यू एक्सपेक्टेड भाई. नहीं था, पर बहुत ज़्यादा ही बेहतर लगा आपको देख के बिग बॉस में. जी मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर थे जो ये जी बोल रहे थे कि अगर एक लौता कोई इंसान जो अपने करियर के पीक में बिग बॉस में आया है तो वो नीरज भाई हैं. हाँ जी, हाँ एंड जी. सेंसिबल अगर कोई है पूरे घर में तो वो पहले आपका ही नाम लेते थे और उसके बाद लेते थे कि साई केतन या रणवीर शोरे, जो हाँ जी. बेसिकली जिनका करियर पीक पे नहीं है, डाउन जा रहे. तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या ये कितना गलत है, या आपका टेक इस पे क्या भाई होगा? भाई मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ कि देखो, मेरा करियर तो चल ही रहा है भाई, और मैं मेरी बॉक्सिंग पिछले 18-19 साल से चली रही है. कभी हार जाता हूँ, कभी जीत जाता हूँ, बट अब तक मेरा करियर शायद मेरे हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में, कि मुझे इंजरी ना हो. तो मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि मैं इंडिया का इकलौता ऐसा बॉक्सर बनूं जो सबसे ज्यादा लंबी एज तक बॉक्सिंग खेला है. तो मेरा मेरी सोच अब तक यही है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है और मेरी मेहनत के ऊपर है. तो मुझे तो लगता है कि अपना पीक ही चल रहा है, और पीक चलता रहेगा जब तक भगवान चलाएगा. पीक चलता रहेगा भाई, हमेशा चलता रहेगा. थैंक यू भाई. ओके जॉयदीप राहुल, आपको पूछना है. नीरज भाई हेलो. हेलो और हेलो हेलो. नीरज भाई, मतलब आज पहली बार मैं किसी बड़े पीक वाले पर्सन से बात करो तो थोड़ा नर्वस हूँ. पर नीरज भाई, जो आप करके आ रहे हो, करते हो, बहुत बड़ी बात है. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो बहुत जगहों पे. ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए पूरे. थैंक यू भाई. नीरज भाई से नीरज भाई, थोड़ी, राम राम. नीरज भाई, राम राम भाई. हाँ राहुल आप कंप्लीट करो. नीरज भाई, नीरज कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. अरे यार, आपको भी होना चाहिए था यार, आज कल में यार बहुत मिस कर जितने भी रहे लोग हैं. आए हैं यही बात कह रहे, रुलाओगे क्या? और मेरा पहलवान भाई होता तो उठा लेता ना बीच में. नहीं भाई, मैं होता तो ऐसी लड़ाइयां ना होती, कोई यार, थप्पड़ जमा मारते मैं चलता. ह्यूमन नेचर यही होता है भाई. ह्यूमन नेचर, अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हुई है, अगला उसको अपने जो कर रहा है मान रहा है, तो फिर रुक जाना चाहिए था. भाई वहां की स्थिति हम लोग कोई भी नहीं जान सकते, मैं कई बार यही बात बोल चुका हूँ वहां पे क्या हुआ. बट हाँ, अगर सब लोग फैसला करते, और इस चीज को जिस दिन ये बात हुई थी, या जब कल अनिल कपूर जी ने यह बात बताई, या पायल भाभी ने यह बात बताई, तो सब बैठ के इस चीज को उसी टाइम पे ठीक कर सकते थे और ये बात उसी टाइम ठीक हो जाती. बट शायद किसी ने सरपंच बनने की, या जिस तरह से हम गांव वाले होते हैं, जिस तरह से उस चीज को सोचते हैं, तो शायद ना सोची हो किसी ने. नीरज भाई, मेरे आपको क्या लगता है कि शो बायस है कि नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से अरमान ने जो किया वो उनके खिलाफ गया, और अरमान ने उसके बाद भी बोला कि जो मेरे से भिड़ेगा उसको ऐसे ही जवाब मिलते जाएगा. क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं भाई, मैंने पहले भी बोला था कि रूल के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, जो रूल बनाया गया है उस रूल के हिसाब से चीजें होनी चाहिए. बाकी बराबर. बाकी जो अरमान ने, जो उसकी पर्सनल जिंदगी है, उसकी वाइफ को कुछ बोला, और उसको उसने उस बात को किस हिसाब से समझा, बिकॉज वो अकेला था उस बात को समझने वाला, कोई समझाने वाला नहीं था, तो उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया और ये गलत और हुआ. बिग, आपको क्या लगता है बिग बॉस को क्लिप दिखा देनी चाहिए थी? क्योंकि विशाल लास्ट में बोला था कि मैं अच्छे वे में बताना चाहता हूँ. कटारिया को भी बोला था जब उसने हाँ, ऊपर अगर लिया था, अगर दिखानी ऐसी क्लिपें थी तो भाई दिखानी चाहिए थी, ताकि जो चाहिए थी भाई. मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो इतनी बड़ी ना होती. बराबर. नीरज भाई, एक चीज आप ये भी देखो, मैंने आपके टाइम पे भी देखा था स्टार्ट में आपको, कि आपने वो जो बटर के लिए, इन चीज के लिए आवाज उठाई थी ना, कि भाई लोगों को ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बीड़ी क्या पता नहीं क्या पीते हैं रणवीर भाई, उनको वो मिल रहा है, और आपने वो उठाया ना मेकर्स के लिए, तभी इसीलिए आपको वो लोग इसलिए प्रायोरिटी नहीं रखी, इसलिए आपको पहले, सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आपको नहीं इसीलिए नहीं दिखाना नहीं है. नहीं सबको ऐसा ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई. उसके अलावा मैंने पहले बताया, मकबूल ने ये बोल दिया था कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं भूखी मरूं, ऐसा कुछ तो वो नहीं. मुझे लगता है कुछ और बात होगी, और वो हम किसी को भी नहीं पता चल रही क्या बात थी, पता नहीं क्या हो सकता है.
अरे यार भाई आपका तो सच बताऊं तो पता ही नहीं चला कब आप इविक्ट हो गए, कब बाहर निकल गए। अगला एपिसोड देखा मैंने तो मैंने कहा आप सच बताऊं, मैंने एक दिन क्या मैं नाम लिख रहा था ऐसे ही, मैंने कहा कंटेस्ट कर सबका नाम लिखूं, तो मैंने कहा नीरज भाई कहाँ गए, नीरज भाई तो दिखी नहीं रहे, वो चेयर पे बैठते ना सामने एपिसोड में। वो अगले में फिर देखा मैंने पीछे के में नीरज भाई तो यार चले ही गए क्या, इतने कोई नहीं भाई जो राकेश अंकिता शॉर्ट, थोड़ा नीरज भाई को जाना भी काफी देर से है। राकेश अंकिता राकेश, मैं बोलूं? हाँ बोलो। हेलो नीरज भाई, वो छोड़ दे, मैं नींद होए तो बात नहीं बोलने का दूंगा। आवाज नहीं आई भाई, दोबारा बोलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? हाँ हाँ भाई। हाँ नीरज भाई, मैंने तो जितना आपको शो में देखा बहुत एंजॉय किया, आप डिजर्व नहीं करते थे इतने जल्दी जाना, क्योंकि आपसे जल्दी जाने वाले और भी लोग थे वहाँ पे। बिल्कुल, ये मेरे को भी लगता था, ये मेरे को भी लगता था, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं। और जो मुझे लगता है शो में, क्योंकि शो मेकर्स को आपसे जिस तरीके का कलेश वाला कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि शो मेकर्स को चाहिए कलेश, और आप नहीं है, आप एक तरीके से मतलब चीजें संभालने में लगते हैं, जितना हम लोगों ने देखा आपको, है ना, जो एक पॉजिटिव साइड ही रहता खाली, उनको चाहिए थोड़ा नेगेटिव भी दिखे किसी ना किसी में, सिर्फ पॉजिटिव ना दिखे, शायद से उस वजह से निकाल दिया, क्योंकि उनके हाथ में रहता है किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। हाँ, ये जैसे आज आज ही के में देख लें, चाहते तो वो अरमान को निकाल सकते थे, उन्होंने वो झगड़े के बाद इतने देर तक शो को खींचा, अनिल कपूर को वापस एंट्री नहीं की, मतलब वो डिस्कशन के लिए, कि तब तक अरमान के मुंह से या घर वालों के मुंह से ऐसे कुछ डिस्कशन पॉइंट्स आ जाए जिनके बेसिस पे अरमान को रखा जा सके, है ना, तो उन्होंने शो को उतना लंबा खींचा, तो अगर वो चाहते आपको रखना तो उस टाइम भी रख सकते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं भाई ये टू गुड पर्सन है हमारे शो के लिए, शायद से इस वजह से निकाल दिया, लेकिन हम लोगों ने एंजॉय किया आपको, मतलब जो अभी आप मस्करापन कर रहे थे या फिर घर वालों को एक साथ करके रख रहे थे, वो अच्छे लग रहे थे आप वहाँ। शायद मेकर्स को ऐसे लोग चाहिए जो उनके लपेटे में आ जाए और उन्होंने पकड़ लिया कि इनको नहीं तोड़ सकते हम, इसलिए पता नहीं अब क्या कह सकते हैं, चलो जो भी अच्छा हुआ। बाकी आप वापस जाओ, बहुत लोग चाह रहे हैं, लेने वाले तो वो लोग है ना, चाहने से क्या होगा, लेकिन ये सोचो पहले इविक्शन वाले वाले लोग चाह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड भी पहला इविक्शन इविक्टेड पर्सन वाइल्ड कार्ड हो, तो ये भी एक अच्छी बात है, आओ नहीं आओ वो बात अलग है, लेकिन हाँ लोगों ने आपके साथ कनेक्ट किया है। लेकिन नीरज भाई आपको मैं मतलब बस मेरा एक ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है मतलब आपके दोस्त के ऊपर है, एक आपने किसी के साथ वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, और अरमान ने उसका रिप्लाई भी दिया था वैसा कुछ, आपको अगर याद हो। वो तो उसकी थी ना फाइट की, भाई मेरा दोस्त नहीं था, मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी आप इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, वो मेरे उसका कोई इवेंट था, और आप लोगों को बता दूं अगर आप लोग भी कभी हरियाणा यमुनानगर चंडीगढ़ के पास आए तो मेरी हवेली है वहां पे, लोग अक्सर मेरे पास आते हैं, और वो हवेली सिर्फ मेरे जानकारों के लिए दोस्तों के लिए है, वहां पे रुकने के लिए एक तरह से गेस्ट हाउस है, तो वो वहां पे रुका था, और तब कुछ एक बॉक्सिंग की कोई वीडियो बनाई थी और वो चाहता था कि वो बॉक्सिंग करे, देन अरमान ने उस पर रिप्लाई किया था, लेकिन कोई भी इन्फ्लुएंसर तैयार नहीं है भाई, कोई भी इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग करने के लिए तैयार नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता दूं, आज एक बात मैं बताता हूँ, आज ही मैंने प्लान किया है मेरी टीम के साथ कि मैं मीट एंड ग्रीट करते हैं, मीटअप करते हैं, वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फिट एंड लिट विद बॉक्सर नीरज गोयत ऐसे करके कंसेप्ट चलाऊंगा, मैं अलग अलग सिटीज में जाऊंगा, वहां पे लोगों को फिटनेस के लिए इंस्पायर करूंगा और लोगों से मिलूंगा, ये मैंने आज मेरे ने और मेरी टीम ने डिस्कशन किया है, हम इस चीज पे काम करेंगे। नीरज भाई एक सवाल पूछना था मेरे को, जैसे आपने सना सुल्तान का बताया कि फेक, आपको मतलब अभी तक घर के अंदर भी और घर के बाहर आने के बाद भी आपको लगा कि शो इज बायस्ड टुवर्ड्स दीपक चौरसिया एंड रणवीर शौर्य, अच्छा खेल रहे हैं रणवीर शौर्य मैं मान रहा हूँ, लेकिन शो फिर मेकर्स और शो उनकी तरफ बायस्ड है, क्योंकि विशाल को जो टारगेट किया गया मुझे लगता है इसीलिए किया गया बिकॉज ही इज अगेंस्ट रणवीर,
कंप्लीटली अगेंस्ट रणवीर लास्ट सीजन में नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बताता हूं, रणवीर भाई बहुत सीनियर है और दीपक भाई से भी वो, मतलब सबसे अगर बड़ी एज का कोई इंसान है तो रणवीर भाई है, और उनकी एज के हिसाब से हम जो बाकी बच्चे हैं, हम सब, मैं भी बच्चा था और विशाल तो मेरे से भी ज्यादा बच्चा है, तो हम कुछ भी बोल देते हैं ना तो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, उनकी एज के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, वो हम सबके सीनियर हैं, तो सीनियर के हिसाब से उनको कई बार लगता है कि मेरे को वो इज्जत नहीं मिल रही। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं खेल रहे, मेरे को रणवीर सही लग रहे हैं खेलते हुए, मेरे को लग रहा है मेकर्स उनकी तरफ बायस हो रहे हैं कहीं कहीं पे। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं जैसे बताऊं शायद थोड़ा बहुत इज्जत दे सकते हैं उनको जिस तरह से सीनियर है, वैसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ऐसे किया जा रहा है, बायस की तरह से देखा जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता भाई ऐसा कुछ। नीरज भाई एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, काफी हो गया, थैंक यू। ओके ये लास्ट है। ओके नीरज भाई, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे सब लोग अपना इंडिविजुअल खेल रहे हैं और कटारिया अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहा है, लेकिन अगर आपने वो क्लिप देखा हो उसमें कन्फेशन रूम में विशाल गया था और शायद वो वाला टास्क था जिसमें विश मांगनी थी, उस वीक में कटारिया नॉमिनेट था, लेकिन विशाल ने जाके वहां पे विश मांगी कि मेरे दोस्त को, मतलब मेरे भाई को नॉमिनेट होने से वो बच जाए। तो आपको नहीं लगता कि विशाल ने अपनी दोस्ती अच्छे से निभाई और उसने अच्छे से, और एक दो इंसिडेंट्स और हुए जिसमें विशाल ने स्टैंड लिया कटारिया भाई का। भाई मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे सब लोगों की सोच अलग होती है, विशाल ने ये सब किया तो एक अच्छे ह्यूमन की बातें हैं, ये एक अच्छा ह्यूमन ही ऐसे करेगा कि अपने दोस्तों के लिए या बाकी लोगों के लिए मांगेगा। अक्सर मैं भी यही दुआ मांगता हूँ कि मेरे दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, तो ये अच्छे इंसान की खूबियां हैं। और अगर कटारिया ने ऐसे नहीं करता तो शायद कटारिया ऐसा हो सकता है कि वो खिलाड़ी की तरह इस खेल को खेल रहे और विशाल थोड़ा दिल से खेल रहे। हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, यही बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा। हेलो हेलो भाई, थैंक यू नीरज भाई और शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बाय बाय, राम राम। हेलो नीरज भाई, मैं भी आपसे बात कर सकता हूं क्या? भाई कर सको भाई, जब तक भाई, धन्यवाद यार ब्रो। क्या को क्यों हो भाई? मेरा नाम है नीतीश छोरण। हां भाई, भाई आपसे ना दिल ऐसा जुड़ गया भाई, शाम को आगे मेरा बड़े भाई, तो शाम का आगे भाई, भिवानी से हूँ, दोबारू से हूँ। ठीक है, सब रहते हैं भाई, डॉक्टर हैं। मेरा बड़ा भाई है, सुना ये क्या सोच रहा पता है? कि यार तू ऐसे कैसे फंस रहा है, तेरे को मतलब कुछ भाई, एक घंटा हो गया भाई इस नन्नू कर था, मैं यार तू बहुत दिन फंस रहा है, ये चल रहा है कर दे, तू सो जा आराम, तो मन सोण कुंदे रहा था यार, मैं और डॉक्टर हूं अपने दपुर में, इधर सो सोण दे रहे ना, सोण दे भाई ना, सोण दे ना, क्यों उठा रहा है तू भाई? नीरज भाई, हां भाई, एक मेरा भाई लग गया ब्रो, कर रहे हैं यार भाई, एक सेकंड मेरे 30 सेकंड की वो कर ले आगे भाई। नीरज भाई एक 30 सेकंड, मैं मेरा बड़ा भाई कर हमेशा तुम यार भाई, मैं आज मजा आ गया बात है नीरज भाई, मैं कर रहा था पहले, मैं भाई अपने कुंदोड़ी, नीरज भाई से अपनी बात सुनी हो, चल जुड़ गए अब तो। अरे मैं तो आ गया नीरज भाई यार, कसम से मैं जिधर नु कर रहा था इस नंबर, अरे क्या बात वो कर रहे हैं ये भाई, आप से चले आपका बंदर ली ही ना, ना ले लियो, बिग बॉस को कहां है रे, हम बिग बॉस देख रहा, मैं बिग बॉस नु हो भाई, जिसने काट नु होने वो काटे, हमने नु होता था भाई, नीरज भाई लास्ट टाइम रुका का, मैं नीरज भाई मैं तीसरे दिन निकाल क्या, मतलब सोचो तो, मैंने भी नु सोचो तो, वो है तो कौन ही के कर रहा है भाईडो, चलो नीरज भाई यार, लव यू यार ब्रदर, मम्मी कसम खाऊं भाई, माँ बाप की कसम खाऊं, मम्मी कसम खाने की जरूरत नहीं, लव यू टू है ब्रो। हाँ मैं नीरज भाई बताऊं कि क्या बात सोच रहा था, तो मैं तो ये बिग बॉस का रहा सिस्टम है, ये सारा सोशल मीडिया रहा, बिग बॉस में कौन गए, तम गए, तम भाई बात सबने अच्छे लगे, बिल्कुल भाई ठीक है, अपना नीरज भाई आगे जा रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं सुनो तो कहा इतना वो था, मैं भी वो देना छोड़ दिया, मैं ले यार इनको को नहीं, ये भी तारी बात सुन रहा है ट्विटर पर, ट्विटर पर चल रहा हूं, मैं सो जाए यार, तो
सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है। मैं नीरज बात बात करूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ। अरे सुनो, ये जूठा स्पीकर ऑन करा था, जूठा स्पीकर ऑन करे। हाँ दे, मेरी बात सुन रहे है, मतलब पीटे का गाड़े तने ये और म्यूट कर रखे है, तने वो उस तरह कर रखे है भाई, रहने दे। चल कोनी तेरी पागल ना, तेरी सही बात हो रही है भाई, ड्यूटी पे जाना, सो जाई फिर करेंगे बात भाई। लव यू ब्रदर, माँ का सुखा भाई, क्लास भाई के कह रहे सपना पूरा हो गया खत्म से। पैसा नु कह रहा था कि ये सारे ने भाई बनाए हैं पागल, जोड़ ली ही था इन्हें सेलिब्रिटी ने भाई। मैं इनका नाम कौन ले रहा है भाई, कौन कौन की है दाना कौन है सुन भाई। फोन मैं एक डेढ़ घंटे इंतजार कर रहा हूँ, बात ने मेरे बड़े भाई सुन भी तन डेढ़ घंटे। चलो सर मैं कहना नहीं है, मैं लग ये सब लग यार सुने नीरज भाई एक चीज हूँ। अरे मैं नू कहूँ आपकी बारी, सारी बात सच्ची है, आपकी बार सारी बात सच्ची है। इतना और जने भी हैं, ये भाग जाएंगे, नू कहूंगे ना हरियाणा वाले बात कर रहे आपस में। हाँ 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 सही हो, एक काम कर दियो दोबारा बिग बॉस में एंट्री हो जाना है बस, फिर तो आ जाओ भाई, फिर नहीं निकल देंगे भाई, फिर नहीं निकल देंगे। ठीक है देखूंगा तारा जोर जो बाबा जनता है यार भाई, बादाम तो भाई है आपने भाई, छोटे भाई हैं आपके, हम तो सपोर्ट करेंगे, जित पास आप निकले ना वो बाद में हम तो बिग बॉस वो ही निकल लागे जो गया फिर देखें वो क्या करोगे तुम। ठीक है भाई, ओके आई लव यू ब्रदर, ओके ओके ब्रो, अब बड़ा भाई सुने एक बार और लव यू ब्रदर, मजा आ गया। मां सुनो दुगा, मैं सपने में कौन सोचती थी भाई जोड़ लेंगे, कसम से मैं सपने में कौन सोचती थी मैं जोड़ लेंगे, मैं ये डाली है आपने जो सपनों सच्चा हो गया, सपना सच्चा हो गया भाई, कसम से सपना सच्चा हो गया भाई। मेरे आईडी में मैसेज करूंगा एक बार देख लियो, मेरे भाई ने वो भी दिखाऊंगा मैं ये छोटा भाई मन दी से कर दे पढ़ ले। हां ओके ब्रदर यार बहुत टाइम आप ओके ओके सॉरी 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 ब्रदर। चलो अच्छा है, फैन मोमेंट हो गया, कुछ फैन लोगों को बात करने मिल गई नीरज जी से। चलो चलो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग, ठीक है ब्रदर नीरज जी, थैंक यू जॉइनिंग के लिए, फिर कल मिलते हैं अभी।